Hello everyone, this is Ram Bishnoi and today we are going to discuss class 9th English worksheet number 10 और ये आपकी 29th of July 2021 की worksheet रहेगी। आज की worksheet भी काफ़ी easy रहने वाली है। आज की इस worksheet में दो नई चीज़ें सीखेंगे। पहली चीज़ है, पहला टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। ओके, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। सेकेंड हम सीखेंगे एडजेक्टिव के बारे में और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में। ओके, तो चलिए फर्स्ट टास्क को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट टास्क में हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया डियर स्टूडेंट्स वी हैव लर्नड अबाउट डायरी राइटिंग इन द प्रीवियस वर्कशीट। लास्ट वर्कशीट में हमने डायरी राइटिंग की बात की थी। डायरी मतलब एक पर्सनल बेस्ट फ्रेंड की तरह होती है ना, उसमें हम कुछ भी अपनी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करते हैं, और क्योंकि वो सारे सीक्रेट्स हम सारे के सारे सीक्रेट्स अपने फ्रेंड्स को नहीं बता सकते क्योंकि इनके पेट में हजम नहीं होता, तो हम वो सीक्रेट्स भी डायरी में एंटर करते हैं। वो सब कुछ हम लास्ट वर्कशीट में कर चुके हैं, उसके फॉर्मेट को सीख चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे राइटिंग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ मतलब किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना हो तब पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है। तो हमें एक पैराग्राफ दिया गया, इसको हमें रीड करना है। दिस इज जस्ट लाइक दैट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का एक एग्जाम्पल दिया गया और इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए गए। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के बारे में कि ये एग्जैक्टली कैसे लिखा जाता है। लेट्स बिगिन विद दिस पैराग्राफ। चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, समझते हैं। यहाँ पे ये पैराग्राफ है राइटर की आंट के बारे में। माई आंट सीमा रनस ए क्लॉथ शॉप। ओके, उनकी आंट है राइटर की, वो एक क्लॉथ शॉप को चलाती है। शी इज टॉल, वो लंबी है, फेयर है एंड हैज लॉन्ग वेवी हेयर, वो लंबे उनके बाल हैं। शी हैज राउंड ब्लैक आइज, राउंड ब्लैक आइज है उनकी, यानी कि डिस्क्राइब किया गया उनकी फिजिकल अपीयरेंस को। शी ऑलवेज वियर्स बेंगल्स ऑन हर लेफ्ट रिस्ट एंड वॉच ऑन हर राइट हैंड, यानी कि जो राइट रिस्ट है वहाँ पे वॉच पहनते हैं, जबकि लेफ्ट रिस्ट जो है, लेफ्ट रिस्ट है जो लेफ्ट कलाई है वहाँ पे वो हमेशा बेंगल्स पहनते हैं। शी इज स्वीट नेचर, नेचर उनका काफ़ी स्वीट है एंड इज काइंड टू एवरीवन, और बहुत काइंड नेचर की है। शी इज सेंसिटिव टुवार्ड्स एनिमल्स एंड फीड एज मैनी स्ट्रे डॉग्स एंड काउज एज शी कन, और वो सेंसिटिव है एनिमल्स को लेकर के, और जितने भी स्ट्रे डॉग्स है या काउज है जितने को फीड कर सकती है उनको वो फीड करती है, उनको खिलाती है। ओके, शी इज ऑलवेज पोलाइट टू ऑल द कस्टमर्स एंड हर स्टाफ, अपने स्टाफ को लेकर के, कस्टमर्स को लेकर के काफ़ी पोलाइट रहती है वो। हाउएवर इन नीड बी शी कैन ईजली बी फर्म एंड स्ट्रोंग विद पीपल हु ट्राई टू फूल हर, हालांकि जब जरूरत होती है स्ट्रोंग बनने की, फर्म बनने की, जो लोग उनसे मूर्ख बनाते हैं तो वो फर्म भी है। ओके, स्ट्रोंग भी है। शी ऑलवेज इंक्रेजेज मी टू प्ले स्पोर्ट्स, और हमेशा मुझे इंक्रेज करती है कि स्पोर्ट्स खेलने चाहिए, एंड गाइड्स मी इन माई ऑनलाइन क्लासेज में वो हेल्प करती है। शी ऑल्सो ब्रिंक्स अ लॉट ऑफ टॉयज फॉर मी, मेरे लिए काफ़ी सारे टॉयज लेके आती है। आई लव माई आंट अ लॉट, मैं अपनी आंट को बहुत प्यार करता हूँ। ओके, तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। यहाँ पे देखिए कि आंट के बारे में सब कुछ डिस्क्राइब किया गया, क्लियर। अब इसी पर बेस्ड हमें एक एक्सरसाइज दी गई, हमें कुछ वर्ड्स हैं जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ में यूज किए गए वो हमें यहाँ पर यूज करने हैं। ओके, इसको हम करेंगे लास्ट में डिस्कस, आपको रिटर्न में मैं सॉल्यूशन दूंगा, ठीक। तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया। उसके बाद थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं ताकि हम इस एक्सरसाइज को करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। यहाँ पे देखिए कि जो वर्ड्स हैं जैसे ब्राउन आइज, राउंड आइज, लॉन्ग हेयर, ऊपर भी हमने डिस्कस किया ना, ये जो वर्ड्स होते हैं इन वर्ड्स को बोलते हैं हम एडजेक्टिव। ओके, द वर्ड्स दैट वी यूज टू डिस्क्राइब एनीथिंग, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं तो उनको बोलते हैं हम एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव क्या होते हैं, आपने हिंदी में किए होंगे विशेषण, किए ना, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण बोलते हैं, बोलते हैं ना पिंक शर्ट। अब पिंक क्या है, ये डिस्क्राइब करना है ना शर्ट को, तो ये पिंक क्या है, एडजेक्टिव है। ओके, जीनियस गर्ल, जीनियस एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। ओके, तो विशेषण है वही इंग्लिश में हमारे एडजेक्टिव हो गए, जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, किसी चीज़ को मतलब नाउन को या फिर प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करते हैं तो उसको बोलते हैं हम एडजेक्टिव, ठीक। यहाँ पे देखिए कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स दिए गए, जैसे फिजिकल अपीयरेंस है तो कैसे हम कुछ वर्ड्स है जिनसे हम डिस्क्राइब करते हैं कि कौन कैसा दिखता है, जैसे ब्राउन आइज हो गया, स्ट्रेट नोज, सीधा नाक हो गया, लार्ज माउथ हो गया, थिन लिप्स हैं, पतले लिप्स हैं, या स्मॉल ईयर्स हैं, प्लम्प है, प्लम्प होता है जो सॉफ्ट होता है ऐसे। ओके, वेल बिल्ट मतलब हट्टा कट्टा है, हस्की जिसकी आवाज़ थोड़ी मोटी हो। ओके, फ्रेल पतला होता है, स्टडी थोड़ा मोटा होता है, यंग मतलब यंग होता है, चेयरफुल होता है। ओके, तो ये कुछ वर्ड्स है जिसे हम फिजिकल अपीयरेंस किसी की डिस्क्राइब करते हैं, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव है। जब हम डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ राइट करते हैं किसी के बारे में तो इस प्रकार के वर्ड्स हमें यूज़ करने होते हैं। ऐसे कुछ पर्सनैलिटी से रिलेटेड हमें डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स दिए गए,
जिसे अफेक्शनेट है, एमिएबल है यानी कि लवेबल है, अफेक्शनेट है जिससे मतलब हमारा लगाव हो, ओके, और कोरेजियस है हिम्मत वाला है, ओके, हेल्दी है हट्टा कट्टा, ओके, स्टॉट है चार्मिंग है, ब्राइट है, क्रिएटिव है, डायनेमिक है। तो ये सारे वर्ड्स है जो किसको डिस्क्राइब करते हैं, पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करते हैं, ओके। तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब वर्ड्स हैं, क्लियर, यानी कि हिंदी में कहें तो विशेषण है। ऐसे ही जो फीलिंग्स या इमोशंस को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे एंग्री, बोर्ड, एक्साइटेड, वीटी, थैंकफुल, चीयरफुल, गुड नेचर्ड, प्राउड, फेथफुल, कॉन्फिडेंट, यानी कि गुस्सा होना हिंदी में हो गया ना, गुस्सा या बोर हो गए, एक्साइटेड हो, थैंकफुल हो, चीयरफुल हो, गुड नेचर के हो, प्राउड हो, तो ये सारे डिस्क्राइब वर्ड है, ओके, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। तो अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या हो गए, कि जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहलाएंगे, ओके। हिंदी में ये विशेषण है, किसी भी चीज़ की विशेषता बताते हैं उन शब्द को हम विशेषण करेंगे, ओके। जैसे ग्रीन बोर्ड, अब बोर्ड कैसा है, ग्रीन, तो ग्रीन का यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड है, क्लियर। तो यहाँ पे डेफिनेशन दोबारा से देखिए, कि दीज वर्ड्स विच हैव यूज टू डिस्क्राइब आर नोन एज द एडजेक्टिव, जो वर्ड्स किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स, क्लियर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा, ओके। अब हमें टास्क दिए गए, पहला टास्क को हमने ऊपर देखा कि जो पैसेज हमने रीड किया था उस पर बेस्ड हमें कुछ फिलअप्स दिए गए। सेकेंड टास्क ये दिया गया कि हमें कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जिससे कि आप खुद को डिस्क्राइब कर पाओ, इन्हीं वर्ड्स में से यूज कर सकते हो या फिर आप न्यू वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, ओके, क्लियर। उसके बाद एक और टास्क दिया गया, एक और टास्क जो हमें लास्ट में दिया गया वो है प्रैक्टिस करनी है, एक पैराग्राफ राइट करना है टू डिस्क्राइब योर मदर, ओके, अपनी मदर को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक पैराग्राफ राइट करना है। उससे पहले यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी दी गई, वो सेम है, इसमें बात की गई कि डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड्स यूज करते हैं वो वर्ड्स हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, तो उसी सेम चीज़ को रिपीट किया गया, क्लियर। अब हम टास्क की बात करते हैं, तीन टास्क हमें मिल गए, उनको कंप्लीट करना है एक एक करके। पहला जो टास्क है, ट्राई टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो हमारे पैसेज पर बेस्ड है। तो फर्स्ट में इसमें दिया गया था डेश रन्स अ क्लोथ शॉप, डेश रन्स अ क्लोथ शॉप, कौन रन करता है, आंट सीमा, आप सीमा भी लिख सकते हो या आंट सीमा लिख सकते हो, आंट सीमा रनस अ क्लोथ शॉप, ओके। उसके बाद सेकंड जो हमारा दिया गया फिलिप्स में, हर आइज आर डेस एंड डेस, हर आइज आर राउंड एंड ब्लैक, ओके, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, ठीक। उसके बाद थर्ड है, हर नेचर इज डेस, कैसा है, स्वीट एंड काइंड, हर नेचर इज स्वीट, इतना ही लिख सकते हो या फिर स्वीट एंड काइंड दोनों लिख सकते हो, क्लियर। फोर्थ है, शी हेल्प द ऑथर इन डेस, किस में हेल्प करती है, ऑनलाइन क्लासेस में हेल्प करती है, ओके। उसके बाद फिफ्थ जो सेंटेंस दिया गया, शी इंक्रीजेज द ऑथर टू, वो ऑथर को इंक्रीज करती है, किसके लिए, प्ले स्पोर्ट्स, ओके। हर एटीट्यूड टुवार्ड्स द एनिमल इज डेस, सेंसिटिव होगा। तो ये सारे जो वर्ड्स हमने फिलिप्स में यूज किए वो सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, यानी कि विशेषण है, एडजेक्टिव है, क्लियर। अब सेकेंड टास्क की बात करते हैं, सेकेंड टास्क दिया गया, कैन यू थिंक ऑफ ए फ्यू वर्ड्स विच डिस्क्राइब यू, क्या कुछ वर्ड्स बताओगे जिससे आप खुद को डिस्क्राइब कर पाओ। तो देखिए कुछ वर्ड्स है, जैसे यंग, फेयर कॉम्प्लेक्शन होगा, ओके, गोरे होंगे, कोई भी कलर हो, ओके, वेल बिल्ट होंगे, चार्मिंग होंगे, क्रिएटिव होंगे, चीयरफुल होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, ओके, कैसे भी। तो ऐसे कुछ और वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको डिस्क्राइब करते हैं, जैसे ऑनेस्ट हो गया, ओके, हार्ड वर्किंग हो गया, तो ये सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होंगे, वो आपको यूज़ करने हैं, ओके। उसके बाद थर्ड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, थर्ड हमारा टास्क है, राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग योर मदर, ओके, अपनी मदर को डिस्क्राइब करते हुए हमें एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक। तो एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने लिखा है इजी लैंग्वेज में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ इज माई मदर, मेरी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट मेरी मदर है, ओके। बाय नेचर शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड केयरिंग एज वेल, नेचर से वो हार्ड वर्किंग है, केयरिंग है, शी टेक्स केयर ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ आर फैमिली, फैमिली के सभी मेंबर की केयर करती हैं, शी गेट्स अप अर्ली एट डॉन एंड प्रिपेयर्स फूड अस, डॉन होता है जब सूर्य ना निकला हो लेकिन अंधेरा भी ना रहो, ओके, उसको हम डॉन बोलते हैं, ओके। शी गेट्स अप अर्ली एट डॉन एंड प्रिपेयर्स फूड फॉर अस, हमारे लिए खाना बनाती है, माई डे स्टार्ट्स विद माई मदर, मेरे दिन की शुरुआत माँ के साथ होती है, अर्ली इन द मॉर्निंग शी गेट्स मी अप फ्रॉम माई बेड, सुबह जल्दी वही उठाती है मुझे, एंड शी मेक्स मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार करती है, कुक्स डिलीशियस फूड्स फॉर अस, और हमारे लिए डिलीशियस टेस्टी फूड बनाती है, माई मदर ऑल्सो हेल्प मी इन डूइंग माई होमवर्क, यानी कि मेरा होमवर्क करने में भी हेल्प करती है, शी इज़ द बेस्ट टीचर फॉर मी, और मेरे लिए वो बेस्ट टीचर है, आई लव माई मदर सो मच एंड होप शी लिव्स वेरी लॉन्ग,
मी माय मदर लॉन्ग्स लिव्स वेरी लॉन्ग्स, लंबा जिए दीर्घायु हो. ओके तो ये हमारा हो गया डिस्क्राइबिंग पैराग्राफ हो गया अपनी मदर के बारे में. ओके तो ये थी हमारी आज की इजी वर्कशीट जिसमें हमने समझा कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होते हैं, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं एट्सेट्रा. उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये वर्कशीट समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, करके देखिएगा, अच्छा लगेगा. आपको लगे ना लगे मुझे बड़ा अच्छा लगेगा शेयर करोगे, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मेरे पास अभी यहाँ पर अगर ज्योग्राफी गुरु की बात करें तो 10th क्लास के हैं, 11th क्लास में जा चुके हैं जो लास्ट ईयर 10th के थे, 9th क्लास के अगर अच्छे होते हैं तो हम बाकी सब्जेक्ट की MCQs की सीरीज़ भी जल्द स्टार्ट करने वाले. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.